बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि अब जो है आजमगढ़ की जनता ने मन बनाया। पहले उतना समर्थन नहीं मिलता था सभी लोगों का, पर इस बार सबका समर्थन मिल रहा है। सब लोगों ने मन बना लिया है कि कमल खिलाना है। क्या लगता है आपको कि अखिलेश ने यही मान लिया है कि जिस भक्ति और आपकी किसी इस बार एक बार भी चुनाव प्रचार के लिए नहीं आया, जबकि सीएम मोदी भी यहां पर मौजूद थे? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखिए कोई भी व्यक्ति कहीं जाता है तो बात क्या करेगा। हम तो आए हैं तो हम बात कर रहे हैं कि 3 साल में 5 विधानसभा की एक एक समस्या हमने मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाया, जो भी अधिकारी हैं उन तक पहुँचाया, उसको सॉल्व कराया। और ये बात मैंने मंच पे कहा, मुख्यमंत्री जी के सामने कहा कि 1.5 साल है और 1.5 साल में 5 साल का काम करना है, तो आपको विशेष कृपा करनी पड़ेगी आजमगढ़ पे, हमारे पूजनीय प्रधानमंत्री जी को विशेष कृपा करनी पड़ेगी तो हो पाएगा, नहीं तो कैसे होगा। तो उन्होंने भी कहा कि आपको आने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मंच से उन्होंने बोला, आप एक फ़ोन करेंगे, आपका एक लेटर आएगा और आजमगढ़ का काम तुरंत हो जाएगा। कल केशव जी आए थे, उन्होंने भी कहा, जब मैंने कहा कि ऐसा है सर, मंच पे ही काम है कि ये जनता को आप बताइए कि 1.5 साल में हम कैसे करेंगे 5 साल का काम, तो उन्होंने बोला 1.5 साल में 5 साल का नहीं 15 साल का काम करेंगे, जो पिछले 15 साल में नहीं हुआ वो 1.5 साल में करेंगे। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए भी आजमगढ़ में विकास करना आज सबसे प्राथमिकता बना हुआ है, क्योंकि गोरखपुर देख लीजिए, बनारस देख लीजिए, सब बहुत तेज़ी से विकास किया, पर आजमगढ़ ठहर गया, रुक गया, वो विकास नहीं कर पाया। तो कहीं ना कहीं अब डबल इंजन की सरकार में आजमगढ़ का डब्बा भी हम लोग जोड़ देंगे तो ये भी स्पीड पकड़ लेगा। महिलाओं में बहुत अच्छा क्रेज देखने में, आपके गाने गा रहे हैं। हाँ, क्योंकि देखिए एक बात आपको बताऊं कि गाजीपुर मेरी माँ का घर है, आजमगढ़ में मेरी मौसी है, मेरी बहन का घर है, आजमगढ़ और गाजीपुर में रिश्ते रहे हैं और हमेशा रहते हैं। तो कोई बच्चा इतना नलायक नहीं होगा जो अपनी माँ को देखेगा और अपने मौसी को नहीं देखेगा। तो आजमगढ़ मेरे मौसी का घर है और बचपन से ही ज़्यादा मैं यहीं रहा हूँ, यहीं ज़्यादा मुझे समय बिताने का मौका मिला, फिल्में बनाने का मौका मिला, दोस्त बनाने का मौका मिला। तो यहाँ इतना जो लगाव है उसका कारण यही है कि यहाँ मेरे लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो इस वजह से हम लोग यहाँ अच्छा काम कर पाएंगे। और वो जो महिलाओं में क्रेज है वो इसीलिए है, उनको भी पता है कि ये यहीं का बच्चा है, हमारी भाषा बोलता है, जैसे हमार माई बतियावेले वैसे यहाँ लोग बतियावेला। तो वो लोग के लागे लगे यहाँ कौनो ये लड़का बा जो अपन ही बीच के बा, ये अपन ही मतिन बोला था, अपन ही मतिन बतियावा था, तो उसका तो लाभ हम लोगों को मिल रहा है। बिल्कुल, और ये मेरे फिल्म इंडस्ट्री का मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है कि मैं जब विषम परिस्थिति में आया था लड़ने 2019 में, तब भी पूरी इंडस्ट्री मेरे साथ थी और उनको भी पता था कि सामने बहुत बड़े नेता हैं, उनसे लड़ रहे हैं, तो भी साथ थे और अब भी मेरे साथ हैं और सब लोग साथ में हैं। मनोज तिवारी भैया आए, रवि किशन भैया आए, पवन सिंह जी आए, स्मृति जी आई, सुशील भैया लगातार मेरे साथ चल रहे हैं, मनोज टाइगर जी लगातार मेरे साथ चल रहे हैं, आम्रपाली दुबे जी हैं, अयाज खान हैं, हमारे अमरीश हैं, रितेश पांडे हैं, मतलब कोई नाम लेंगे आप भोजपुरी का, वो सब लोग मेरे साथ जो है, आज विनय आनंद जी आ रहे हैं, गुंजन सिंह आ रहे हैं, तो पूरी इंडस्ट्री का पूरा सपोर्ट रहता है मुझे हमेशा। क्या लगता है कि